सर सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, ना हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने। छोटी सी क्लिप को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा के ढाबे के तेवर जो है किस तरीके से बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज से थोड़े समय पहले यूट्यूबर गौरव वासा ने जो है इनकी मदद की थी और इनका जो है वीडियो बनाया था, और वीडियो बनाने के बाद वायरल ये हो गए थे। आप इनकी पहले छोटी सी क्लिप देख लीजिए। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई भी टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। ये वही बाबा है जिनकी मदद जो है गौरव वासन ने की थी, लेकिन आज इन बाबा ने क्या किया है कि गौरव वासन के खिलाफ जो है यहाँ पर FIR दर्ज करा दी गई है, उनके खिलाफ जो है कुछ आरोप लगाए गए हैं। साथ ही में इनका कहना यहाँ पर ये है कि गौरव वासन ने जो है इनके जो है डोनेशन के पैसे खाए हैं लगभग 20 से 25 लाख। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा और आप जो है बताइएगा कि बाबा के जो है चाल जो है किस तरीके से बदल चुकी है, और जो है आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि आप किसी की भी मदद बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मदद करने के बाद जो रिजल्ट इन बाबा ने दिया है उसको देखने के बाद हो सकता है कि आप भी किसी की भी कभी भी मदद यहाँ पर नहीं कर। तो मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा होता? अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत आसान होता है किसी को डिफेम कर। इस क्लिप को देखने के बाद हो सकता है कि आपकी आंखों से भी आंसू आ जाए, क्योंकि जिस इंसान ने बाबा की इतनी मदद करी, जिस इंसान ने बाबा को इतना फेमस किया, उसी इंसान पर जो है गलत आरोप लगाए गए हैं। और देख लीजिए किस तरीके से इंसान ये रो रहा है। आप सभी इनको जानते होंगे, ये यही यूट्यूबर है गौरव वासन जिन्होंने बाबा का ढाबा जो है फेमस किया था, और आज देख लीजिए इनकी क्या हालत हो चुकी है। तो दोस्तों किसी की भी मदद बिल्कुल भी आप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तो आपका किसी पर भी मदद करने से भी विश्वास उठ सकता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या गौरव वासन के साथ जो है गलत हो रहा है, और बाबा के तेवर किस तरीके से बदले हैं इनको देखकर तो रानू मंडल की भी यहां पर आपको याद आ। और अब तो बाबा का एटीट्यूड इतना बढ़ गया है कि अगर उनसे आप सवाल करते हो तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से बाबा के तेवर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ये वही बाबा है जो आज से कुछ समय पहले इनका रोने वाला वीडियो वायरल हुआ था, अब इनके तेवर आप खुद ही देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों पुलिस को आपने शिकायत दी है? भाई आपको तो टेबल में खुद जाकर पड़े हो गए, देखो सन के ऊपर अब केस कराया है, और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? अब हमने जो उनको करवा दिया है, हैं? अब वही जो करेंगे वही करेंगे। नहीं, आपने क्या रिपोर्ट क्या कही अपनी है? आपने क्या अंदर अपनी रिपोर्ट में वहाँ लिखा हुआ, जाकर वहाँ चेक करवाओ। अपनी कंप्लेन फाइल कर दी है, स्टेशन में वहाँ लिखवा दिया है बस। लेकिन अगर जैसे कि गौरव वसन अपनी तरफ से सबूत दिखा रहे हैं कि उन्होंने कोई गबन नहीं किया, तो अगर वो सही साबित हुए तो है? वो सही साबित हुए तो है? वैसे जो ये 20 लाख की बात आई है आपको किसने कही? अब हमने जो बताया बताया हमने है? अब आप वहाँ जा करो, अंदर थाने में जाओ, वहाँ पूछो उनसे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा को जो है उनके बच्चों द्वारा इसीलिए जो है घर से निकाला गया था, क्योंकि ये जो है शराब पीते थे, और शराब पीकर जो है घर में रोजाना हंगामा किया करते थे, बीबी को मारते थे, बच्चों को मारते थे। आप खुद ही सुन लीजिए ना इनकी आवाज में, आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है बाबा शराब और दारू पीकर जो है घर में जो है आए दिन झगड़े करते थे। आप खुद ही सुन लीजिए। मानते जब ये पी करके बच्चों को अनाप शनाप दोस्तों ये सब देखने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि यहाँ पर कौन गलत है और कौन सही है। तो दोस्तों आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, आप कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। साथ ही में अगर आप जो है गौरव वासव को सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करिए, जिससे कि आम जनता को, सभी लोगों को पता चले कि बाबा के तेवर किस तरीके से बदले हैं। अगर आप गौरव वासव को सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप बिल्कुल कर दीजिएगा।